आजकल अगेति फूलगोभी की बढ़वार या कटाई का समय है। इसमें उचित सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रबंधन और साथ ही साथ कीट बीमारियों की उत्तम प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर मध्यम सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो निराई गुड़ाई करवा के मिट्टी चिढ़ाने की व्यवस्था करें। उर्वरकों के प्रबंधन के लिए जो बची हुई शेष मात्रा है लगभग 60 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डलवाएं। और साथ ही साथ रोग और कीड़ों की बात करें तो अगेति फूलगोभी में 2 मुख्य रोग हैं। एक पत्ती काला पत्ती धब्बा रोग, जिसको भूरा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं, और साथ ही काला सड़न। इसमें जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है उसमें गोल आकार के पत्तों पर हल्के धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बाद में फूल के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोफिल M45 45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा से करें। जो काला सड़न बीमारी है उसमें पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के पत्तों के सिरों की तरफ धब्बे बनते हैं और ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 40 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही इन दोनों बीमारियों से ग्रसित पत्ते हैं उनको खेत से निकालकर गड्ढे में जरूर दबाएं।